तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां नर्मदा के ककरा घाट से गाडरवारा की शिव धाम डमरू घाटी के लिए कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा के माध्यम से जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। थला वाले परिवार के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य स्वागत हुआ और प्रसादी बांटी गई। विधायक संजय शर्मा का पुष्प वर्षा कर गणमान्य नागरिकों द्वारा फूल माला पहना कर स्वागत किया। वास्तव में जिसने सभी का बना रहे परमपिता परमात्मा भोले शंकर से प्रार्थना करके नरंदा हमें शक्ति प्रदान करे कि आपका जो इसलिए हमेशा मिलता है ये मिलता रहे और हमें भी मुझे भगवान देता रहे कि हम आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहे, हमेशा आपकी सेवा करते रहे, आपकी किसी प्रकार की कमी आपके सम्मान में ना आ पाए इसका हम प्रयास करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी हो। ये कांवड़ यात्रा का उद्देश्य केवल हमारे क्षेत्र में आपसी सामंजस्य, लोगों का भाईचारा, सुख समृद्धि बनी रहे, समाज के हर वर्ग के लोग अच्छी दिशा में काम करें जिससे एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्षेत्र का विकास हो, यही कामना इस वर्ष है। आप सबने स्वागत किया से आपकी प्रतीक्षा ज्ञापन। तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा जी की कांवड़ यात्रा ककड़ा घाट से गाड़ावरक डबरू घाट के लिए निकली। थाला वाले परिवार के द्वारा हर साल की भांति इस साल ही भव्य स्वागत किया गया। क्या संदेश देंगे कांवड़ यात्रा का इतना भव्य स्वागत किया गया आपके द्वारा? संजय भैया विधायक रहे ना रहे, वह हमारे पारिवारिक मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। वह उनके हम हर कार्य में तन मन धन से उनके साथ रहते हैं, हमारा परिवार उनके साथ रहता है। हमारे और उनके संबंध आज के नहीं काफी पुराने हैं। इसी तारतम्य में यह सातवां स्वागत है। 2 साल कोरोना के कांवड़ यात्रा नहीं निकली भैया, जब से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं सभी से स्वागत कर रहे हैं सारे परिवार के। जनता के द्वारा सुख समृद्धि शांति के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आज थाला वाले परिवार के आपको स्वागत करते हैं। कांवड़ यात्रा के निकालने से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश मिल गया? क्षेत्र के लोगों से यही आग्रह करें कि धर्म के प्रति अपना ध्यान लगाए रखें, जिससे हमें ईश्वर संतुष्टि देता है। बगैर धर्म के लिए नहीं चल सकती है, पहले धर्म रहेगा और उसके बाद सकती है। लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन धर्म में कहीं ना कहीं अपनी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा लगाते रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ियाँ सीख रहे हैं, समाज के लोग आप देखते हैं बोले सीख रहे हैं, उनको जुड़ना चाहिए। हमारे यात्रा का उद्देश्य केवल यही है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, भोले बाबा की कृपा हमारा रखता है कि हमारे क्षेत्र पर है और बढ़ी रहे। सारा हमारा परिवार हमारा खुद का परिवार है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि तरक्की का आगे और हमेशा उनके द्वारा परिवार के लोग हैं, चाहे हमारा राजनीतिक द्वारा हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वैसे भी आना हो, ये हमारा घर है, हमेशा हम जानते हैं वही बैठते हैं। ज्यादा लोग हैं तो स्वागत होगा। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।